मॉर्निंग। ठीक है सर, और ठीक है तो हम लोग बात करते हैं। देखिए सर, तो टॉपिक वन हो गया आपका। टॉपिक वन में क्या था? सिस्टम। टॉपिक टू में क्या था? टॉपिक वन में ही सिस्टम सराउंडिंग था, ठीक है ना आपका। टॉपिक टू में क्या था आपका? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक थ्री में क्या था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक फोर में क्या था? हीट, इंटरनल एनर्जी एंड क्या था? वर्क। टॉपिक फाइव में क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। देखिए इसमें होता क्या, पहले तो देखो क्या होता है इसमें वेरिएबल्स। यहाँ पे कौन कौन आता है? जैसे देखिए, आप एक टैंकर लिए, जस्ट यहाँ पे क्या है कि आप एक सिस्टम का बात कर रहे हो, तो सिस्टम का शेप क्या होगा? कुछ तो शेप होगा ना इसका। तो मान लो एक शेप हुआ इसका, अपना इसका वॉल्यूम तो कुछ होगा। इसके पास वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, एंट्रोपी है, इंथैल्पी है, और हीट कैपेसिटी है। तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? ये सबको क्या बोलेंगे हम? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो किसी सिस्टम का स्टेट को डिसाइड करता है। अब स्टेट क्या था? देखो वो किस स्टेट में है, जैसे नहीं बोला आप जस्ट बात करते हो कि आप देखते होंगे जो हम लोग गैस लेते हैं एलपीजी सिलेंडर में, देखो आप कैसे रहता है वो, कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में। और जब बाहर निकल कर कैसा होता है वो? गैस फॉर्म। अब जब सिलेंडर में होगा तो देखना उसको, जान तो मूव करवाना, जैसे लगेगा जैसे वाटर नहीं होता है, वैसा ही साउंड आएगा आपका। और जैसे आप उसको ओपन करोगे फिर किस फॉर्म में आएगा वो? गैस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो किस स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड में है, क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसका प्रेशर उसके अंदर है, ये सब को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जो किसी सिस्टम का स्टेट को डिसाइड करता है। स्टेट मतलब कौन सा स्टेट में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड में है, या उसका क्या कंडीशन क्या वहाँ पे है। कुछ कुछ लिक्विड हो सकता है, कुछ गैस हो सकता है, मतलब मिक्सर भी हो सकता है आपका। तो जो यह कंडीशन होता है वो कंडीशन को यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स दो टाइप का होता है, एक होता है इंटेंसिव और एक क्या होता है? इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है? जो सिस्टम के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। क्या बोले आपको? इंटेंसिव और क्या बोले? एक्सटेंसिव। दो टाइप का सिस्टम आपका है। पहला क्या बोले आपको? इंटेंसिव, वैसे वेरिएबल जो सिस्टम के शेप एंड साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिव वेरिएबल्स। और वैसा वेरिएबल जो क्या करेगा? सिस्टम के शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इतना पढ़ना आपको यहाँ पे, इसका एग्जांपल पढ़ना आपको, इंटेंसिव में कौन कौन आएगा, एक्सटेंसिव में कौन कौन आएगा, ये सब पढ़ना आपको। समझ में आया? वेरिएबल्स क्या होता है? जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट को डिसाइड करता है, किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है वो, और कौन कौन वेरिएबल यहाँ पे आएगा। तो आपको बोले वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, ये सब वेरिएबल्स हैं हमारा। हाँ, आपसे बताएंगे यहाँ पे, बता देंगे आपको एंट्रोपी क्या होता है और इंथैल्पी क्या होता है, ये सब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या आपको क्या बोले कि ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? इंटेंसिव और क्या होता है? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है? जो सिस्टम के शेप एंड साइज और मास पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटेंसिव। और जो सिस्टम के शेप एंड साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो उल्टा बोल देना वो, इंटेंसिव में क्या होता है? नहीं करता है, और एक्सटेंसिव में क्या होता है? डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा है आपका क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना। चलो इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन है, पहला लिखिए, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन, लेकिन द वेरिएबल्स, तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। चलिए, द वेरिएबल्स बोल रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं आपका, विच आर रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड टू
स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। चलिए एग्जांपल इसका है, देखो क्या क्या आपका जगह हो, एग्जांपल इसका है वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। हंस रही है, रो रही है इसकी, लेके आगे। ठीक है, तो ये सब हो गया एग्जांपल जो क्या करता है किसी सिस्टम का। हाँ, एक और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो ETC में लिख दो इसको। तो ये सब हमारा क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है ना। चलिए सर, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास है, दो नया टर्म यहाँ पे क्या आया है, एक आया है एंट्रोपी और एक आया है एंथैल्पी। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या है इसका, नोट कर लिए सब, जल्दी करो। देखिए आप एंट्रोपी, पहला तो है एंट्रोपी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जैसे आप क्या करते हो, आप हीट देते हो, गर्म करते हो किसी वस्तु को ना, जैसे गैस का सिलेंडर ही आपका हो गया हो, या चलो मान लो किसी सिलेंडर में ही गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, और हम टेम्परेचर बढ़ा दिए सिलेंडर का, तो क्या होगा, ब्लास्ट बाद में होगा, तुरंत ब्लास्ट नहीं करता है, लेकिन हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। अगर मान लो कोई सिलेंडर लिया, ठीक है ना, और सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, अब जरूरी नहीं कि LPG गैस भरा हुआ है, कोई भी गैस ले लेते हैं, कोई भी गैस ले लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर को हम थोड़ा सा गर्म कर दिए, तो क्या होगा, गर्म करने से हीट मिला ना, एनर्जी मिला, तो मॉलिक्यूल को जब एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा, वो आराम से बैठेगा, उछलेगा ना, जंप करना चाहेगा। बच्चा लोग का वही हाल है, बच्चा लोग को पेट भरा हुआ तो बस खेलेगा, जहाँ भूख लगा तो रोना शुरू कर देगा, तो जब तक वो पेट भरा हुआ है तो खेलता है ना पूरा, वो यही ना है। जस्ट लाइक यहाँ मॉलिक्यूल का हाल है, मॉलिक्यूल को जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो जंप करना स्टार्ट करता है, और जंप करेगा तो सिस्टमेटिक वे में, क्या नहीं, आप पहले जंप करो फिर उसके बाद हम जंप करेंगे, ऐसा होता है क्या, कुछ नहीं, कोई इधर जंप कर रहा है, कोई इधर जंप कर रहा है, कोई इधर जंप कर रहा है, रेंडम पूरा, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है इसका, और जब रेंडमनेस बढ़ेगा तब उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, समझ रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं, कोई सिक्वेंस नहीं, कोई रूल नहीं, बस मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, क्या बोले, समझ आया आपको। तो देखिए आप ये देखो क्या होता है यहाँ पे, कि ये भी एनर्जी का मेजरमेंट करता है, कैसे, अभी बोले ना आपको, जितना एनर्जी हम सप्लाई करेंगे उतना ही क्या हुआ, जंप करेगा, और जितना कम एनर्जी होगा फिर उतना बैठते भी जाएगा, होता है ना, आराम से बैठ जाएगा, थकेगा तो बैठेगा आराम से, थकना मतलब क्या, एनर्जी का लॉस हो जाना, जब तक एनर्जी है तब तक जंप कर रहा है, एनर्जी कम हुआ तो फिर क्या होगा, वो लो जाएगा, बैठ जाएगा। तो एंट्रोपी करता क्या है, एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, कितना रैंडमनेस में वो मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ज़्यादा एनर्जी दिए तो क्या होगा, और ज़्यादा मूव करेगा, और रैंडमनेस ज़्यादा बढ़ेगा, वो कम एनर्जी दिए तो कम मूव करेगा,
तो ये क्या होता है, इंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी होता है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी होगा। और ये क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर समझ रहे ना आप, मतलब रेंडमनेस, जितना रेंडम मूव कर सकता है। और कम एनर्जी हुआ तो क्या होगा, कम हो जाएगा रेंडमनेस, ठीक है वो। और इंथैल्पी क्या होता है, जितना ये मूवमेंट किया पूरे सिस्टम का, एनर्जी का जो मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट वो क्या बताता है आपका, इंथैल्पी बताता है, ठीक है। और भी इसका कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, इसका डीपली हो, केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ लिया आप लोग केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं आप लोग, वहाँ भी पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ पे इंथैल्पी और एंट्रोपी का ज़्यादा यूज है, वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा कम है, वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज करना है इसका, एंट्रोपी और इंथैल्पी का। चलो बताओ क्या पढ़े हम लोग, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। वो तो ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है, जो सिस्टम के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है उसको इंटेंसिव बोलेंगे, और जो डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव, ठीक है ना। लिखिए तो लिखो आगे, टाइप्स ऑफ, लिखिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। देखिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ लिखिए इसका एग्जाम्पल, चलिए इसे लिखते हैं। तो अब इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन वही जो बोल रहे थे अभी, हम वही लिखना आपको, लेकिन द द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच डज नॉट डिपेंड्स Does not depends on the size and mass of thermodynamic system. System is called थर्मोडायनेमिक, ये इंटेंसिव। अच्छा हम लोग ये लिखना, यहाँ पे लिखना, तब तो क्या हम लोग को, तो हम लोग बोले क्यों नहीं, लिखे इंटेंसिव वेरिएबल्स, लिखे इसको, सोच रहे हैं आप लोग। चलिए इसे लिखिए, तो फर्स्ट कर दो इसका नंबर वन, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल, इसको लाइनिंग कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है, हो गया। सेकेंड में हमारा क्या है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आपका आ जाएगा, तो एग्जाम्पल में आएगा आपका जो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, तो बताइए कौन सा। एक आपका यहाँ पे होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और सेकेंड है यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर, लिखिए इसको, तीन एग्जाम्पल इसका है। एग्जाम्पल लिखो, मास वहाँ 1 kg फिक्स हो गया है, लिखिए तो लिखिए इसको, यहाँ पे हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चलिए सर ये सब जो क्या है कि यहाँ पे मास फिक्स है कितना, 1 kg, तो जब जब भी लेंगे सबका मास 1 kg ही लेंगे, ठीक है ना। तो मास का मतलब ही नहीं यहाँ पे, हो मास सिर्फ 1 kg हो गया, अब नेचर पे डिपेंड करता है इसका, ठीक है, लिख लो इस एग्जांपल इसका। तो हम लोग का क्या हो गया टॉपिक, हो इंटेंसिव, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो पहला कौन हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल्स, और ये सब एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, नोट कर जल्दी सब लोग। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है
हाँ लिखे सेकेंड नंबर, तो लिख लो उसको, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, लिख लो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ डज नोट है वहाँ पे क्या होगा, डिपेंड्स हो जाएगा। तो लिखिए द वेरिएबल्स, द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स विच डिपेंड्स, डिपेंड ऑन ऑन द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम, ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इज कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स लिखे इसको। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल में इसका आएगा वॉल्यूम, आएगा वॉल्यूम होगा इसका जो साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, हीट कैपेसिटी है और एंथैल्पी है। लिखे इसका एग्जाम्पल, वॉल्यूम, वॉल्यूम और इसके बाद फिर इसका है वॉल्यूम, एनर्जी, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, एटीसी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हाँ तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का क्या टॉपिक क्या है आगे का टॉपिक, हम लोग जो है उसमें क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, और जो इक्वेशन इसका है, इक्वेशन अभी बता रहे हैं हम, वहाँ पे हिंट कर देंगे इसका इक्वेशन क्या आएगा। सो स्पेशल कोई इक्वेशन नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, कंडीशन ही शो करना है यहाँ पे, दिखाना है आपको। इसे आगे पढ़ना है आपको, बॉयल्स लॉ पढ़ना है, बॉयल्स लॉ पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है। पढ़े आप लोग ये कभी? अच्छा पहली बार सुन रहे हो, तो ये सब अभी आएगा। ठीक है, चलिए सर नोट कर लिए इसको। ठीक है, इक्वेशन अभी आएगा आपको, जब पढ़ाएंगे उसमें आपको हिंट कर देंगे। आज स्पेशल नहीं है यहाँ पे, बोल तो रहे आपको क्या, स्पेस बोल रहे आप? नहीं स्पेस नहीं छोड़ना है, वो लिखाना होगा तो नोट भी लिखा देंगे आपको अलग से, स्पेस नहीं छोड़िए आप, वो छोटा सा इक्वेशन आपको हम लिखा देंगे आपको। चलिए देखिए, तो आप लिखो नेक्स्ट हेडिंग, टॉपिक 8 लिखिए इसको। हाँ और कल इसका क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है ना, कल इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। चलिए टॉपिक 8 है और इसका है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलिए देखिए, तो उसको लिखे इसको। ठीक है, प्रोसेस का इक्वेशन जो आपका है ये है, स्टेट का इक्वेशन बोल रहे हो, कल लिखा, कल आपको हम नोट भी लिखा देंगे इसको, पहले इसको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आपको ये। चलिए सर देखते हैं आगे, तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अभी क्या क्या पढ़ आपको था, आइडियल गैस इक्वेशन बताइए क्या था आपके पास। तो यहाँ पे क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो स्टेट इक्वेशन भी इसी वेस्ट पूरा आपका है। देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये क्या होता है प्रेशर, ये क्या होता है वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आर क्या हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये क्या हो गया टेम्परेचर। अब ये तो फिक्स है ना, ये हमेशा फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं, लेकिन इसके अलावा तो यहाँ पे क्या चार फैक्टर है जो चेंज होगा आपका, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे, और इसको भी कांस्टेंट कर दिए, तो बच रहा कौन, वी और टी।
अगर ये दोनों को वेरी करेंगे तो क्या कहलाएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। समझ में आ रहा क्या बोले हम? देखियो आपके पास पांच फैक्टर है, पांच में से देखो क्या किए। देखो यहाँ पे PB=NRT है, R का वैल्यू तो फिक्स होता है 8.31 और N का वैल्यू हम 1 कर दिए, 1 मोल फिक्स कर दिए इसको। तब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन हो जा रहा है PB=, यहाँ पे क्या होगा RT हो जाएगा, N का वैल्यू कितना है 1 है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट की है, प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो क्या चेंज करेगा? टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। सब लिखा रहे आपको हम। फिर देखो अगर प्रेशर चेंज किया तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम चेंज किया तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक और टेम्परेचर चेंज किया तो कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और हीट कांस्टेंट हुआ तो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और पढ़ाए थे आपको रिवर्सिबल, रिवर्सिबल पढ़ाए थे कभी? देखिए पहला क्या आपका हो गया वो आइसोबेरिक, जहाँ पे क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, फिर क्या बोले आपको वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट, एडियाबेटिक और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है ना। तो लिखिए आप यहाँ पे क्या होगा वो, देखिए प्रोसेस, पहले प्रोसेस क्या होता है, देखिए हाँ देखिए, तो हाँ क्या क्या बोले आपको, प्रेशर कांस्टेंट कौन सा होगा आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट आइडियाबेटिक, ठीक है ना। और एक और क्या पढ़ाया आपको, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और एक और होता है साइक्लिक, साइक्लिक मीन्स क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट किया वापस वहीं आएगा। जैसे क्या बोले आपको, आइस से क्या बना वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से फिर क्या बनेगा वाटर, और वाटर से फिर क्या बनेगा आइस, इसको बोलेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का है टॉपिक, एक क्या रिवर्सिबल और क्या है एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल देखो एग्जांपल क्या है, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं होता है, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ाएं, उसके अंदर एनर्जी आया और जैसे रिलीज करेंगे छोड़ेंगे फिर क्या होगा, वो फिर से वापस आ जाएगा जो साइज में पहले था, फिर से वही साइज में वापस आ जाता है। रिवर्सिबल क्या देखो बोले हम, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ाए हम, इंक्रीज किया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुआ और जैसे हम छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, वो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा आपका। तो जो अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल, और जो नहीं आ सकता क्या बोलेंगे उसको, ए रिवर्सिबल आप बोलेंगे। जैसे बोले थे दूध से दही बनना वगैरह हो गया, कुछ कुछ प्रोसेस है जहाँ पे वो वापस नहीं आ पाएगा। पहला क्या हो गया वो प्रेशर कॉन्स्टेंट, क्या कहलाएगा आइसोबेरिक, फिर क्या हो गया आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, क्या कहलाएगा आइसोकोरिक, टेम्परेचर आइसोथर्मल, हीट कांस्टेंट आइडियाबेटिक और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और क्या हो गया साइक्लिक। ये पांच छह आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सब डिफिनेशन पढ़ना है, उसका कंडीशन बस आपको माइंड में रखना है। जरा फिर इसका वर्क डन होता है, देखिए चलिए से लिखिए इतना प्रोसेस हम लोग का, ठीक है ना। तो आप देखिए सर, हाँ अब बताइए इसमें होता क्या, बता तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि हम टेम्परेचर चेंज किए। अच्छा ये जो बोल रहे हैं आपको हम प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर, ये सब क्या है, ये सब है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें ये सब में किसी का वैल्यू चेंज करेगा, ये सब यही ना चेंज कर रहे हैं हम लोग, जो भी चेंज होगा इसी में सारा चेंजिंग होगा, या तो प्रेशर चेंज होगा, या तो वॉल्यूम चेंज होगा, या टेम्परेचर, या फिर हीट भी यहाँ पे है, या फिर क्या होगा नंबर ऑफ मोल आप बोल सकते हैं यहाँ पे हो, ठीक है ना। लेके तो इसका डिफरेंस लगे पहले, इन विच द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स गेट्स चेंज,
इज कॉल्ड इज नॉन एज एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगा वो किसमें होगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में, ठीक है ना, इसी के अंदर चेंजिंग होगा आपका। तो यहाँ पे है बहुत टाइप का आपका है, तो पहले देखते हैं हम लोग। लिखिए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। चलो सर ये हमारा हो गया। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आइसोबैरिक से। हाँ सबका नाम ही लिख रहे हैं पहले हम, आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकेंड यहाँ पे है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर थ्री आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर फोर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। नंबर फाइव में है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात नहीं करना है, ठीक है। चलिए सर, हाँ ये हो गया इसका। और नंबर सिक्स में है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब सीक्वेंस वाइज इसका हम डील कर दे रहे हैं सब। लिखिए, लिखो फर्स्ट, लिखो तो हो गया, मजाक मजाक बहुत ज्यादा नहीं करना है। लिखे सर आइसोबैरिक प्रोसेस, लिखे तो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है सर। प्रोसेस होगा प्रेशर, तुम लोग बढ़ा देते हो बात करने के लिए। लिखे सर, लिखे तो लिखो, लेकिन द प्रोसेस लिखे इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, चेंजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम का वेरिएबल यानी वॉल्यूम का क्या वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, और प्रेशर यहाँ पे क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। इस कॉल्ड, लिख लीजिए, इस कॉल्ड इस नॉन एज, नॉन एज आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहां पे देखिए क्या पे हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली यहां पे किसका होता है टेम्परेचर का, ठीक है, और प्रेशर यहां पे क्या होगा कांस्टेंट होगा, दैट इज यहां पे ब्रैकेट में ले सकते हो आप भी, और डायरेक्टली टी होगा भी, और टी यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल होगा, और
पी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल होगा और प्रेशर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन तो हाँ तो अच्छा बताइए क्या क्या आप लोग का वो, देखो यहाँ पे प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना हम लोग, क्या इसमें हुआ क्या बताए तो, यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, पाँच छः आपके पास तो है ही, प्रेशर है, टेम्परेचर है और क्या है, वॉल्यूम है। अब एक कोई कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे किसको कांस्टेंट किए हम, प्रेशर को, अब बाकी यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है ना। सेकेंड क्या आपका है, सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा इसमें, क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा आपका। तो लिखिए, तो नंबर टू बता तो अच्छा रही थी पूरा, लेकिन नहीं लिख सकते इसको ना हम लोग। चलिए लिखे सर, ऐसे को लिखे तो चलिए लिखे, तो यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए तो हम लोग है वो टॉपिक हो, ठीक है ना। अब क्या करना है इसका आगे, चलिए डिफाइन कीजिए इसको, लेकिन द लिखे द प्रोसेस इन विच प्रेशर प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंजेज विथ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर एट कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम, लिख लो उसको, इज नॉन एज, इज नॉन एज, हाँ आइसोकोरिक लिख लीजिए, आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम ब्रैकेट में लिख लो भी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, देखो प्रेशर और क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर हो, प्रेशर, हाँ प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी, इस सब का रिलेशन के लिए भी चैप्टर थोड़ा आगे आगे चैप्टर जो आपका है वहाँ भी पढ़ना हम लोग को ये सब फिर से। ये आपका होगा वेरिएबल और ये फिर से यूज़ करना है चैप्टर 13 में आपका, ये 12 में फिर से इसको यूज करना है। हाँ यहाँ पे आएगा प्रेशर डायरेक्टली किसका होगा, टेम्परेचर का, हाँ ये तो लिख रहे हैं ना, लिख रहे दे रहे हैं आपको। वहाँ पे भी एक साइंटिस्ट आएगा गेलुसेक लॉ, उसमें ये फॉर्मूला आता है फिर, और वहाँ पे पढ़ाएगा आपको, वर्क डन पढ़ाएंगे फिर आपको सारा चीज़। चलिए नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, कंप्लीट हो गया, ज़्यादा फास्ट चलने लगा आप लोग, अच्छा बात है। तो आगे हो गया ये सेकेंड नंबर, ठीक है ना। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या लिखा है, आइसोथर्मल, लिखो, लिख लिया, अच्छा हो गया सबका, चलो लिख लिया, एक सेकंड रुक जाओ। जल्दी लिखिए आप लोग, जिसका भी छोटा हुआ है, अच्छा लिख सकते हो उसमें, आइसोथर्मल में बताइए क्या होगा, कांस्टेंट कौन होगा, टेम्परेचर, और वेरिएबल कौन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम। पहला पढ़ा है आपको आइसोबेरिक, कांस्टेंट कौन होगा, प्रेशर, वेरिएबल कौन सा होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन तो आपके पास है यहाँ पे। सेकंड में क्या पढ़ा है आपको, आइसोकोरिक, इसमें कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम, और वेरिएबल कौन यहाँ पे होगा, प्रेशर और टेम्परेचर। अब यहाँ पे थर्ड में हमारा क्या है, आइसोथर्मल, इसमें कांस्टेंट कौन है, टेम्परेचर, वेरिएबल कौन होगा, प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना। चलो लिखने आ रहे हैं, हो गया इसका, हो गया। देखो तो आगे का टॉपिक हम लोग का है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब तो पानी थोड़े पड़ रहा है, अभी खांसी जाता है, लेके तो
लेकिन द प्रोसेस, लेकिन देखो द प्रोसेस अब लिखा गया तो लिखा गया, चलो द प्रोसेस इन विच, लेकिन इन विच क्या होगा, क्या चेंज करता है, प्रेशर, लिखिए प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर ऑफ द सिस्टम चेंजेज विथ इट्स वॉल्यूम, चेंजेज विथ इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये टेम्परेचर, हाँ ठीक है। अच्छा ये हो क्या रहा है, अच्छा प्रेशर बढ़ता है, इज नॉन एज, इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो लिखो थर्मल प्रोसेस, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन होगा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर, पी एंड टेम्परेचर, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। और यहाँ पे क्या होगा इसका, पी जो होता है इन्वर्सली किसका होता है, भी का होता है, ये पढ़ना आपको आगे लाके जाके पढ़ेंगे हम लोग, बॉयल्स बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं इसको, चैप्टर 12 में पढ़ना हम लोग को बॉयल्स लॉ। ये फिर से आएगा, बोलो ना, सब रिपीट होगा फिर से, ये सारा चीज़ इसका यूज करना पड़ेगा हम लोग को। नोट कर लिए सब, आगे लिखो तो सबको हेडिंग लिखो, इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस लिखे, नोट कर लिए थे सब ये, चलो टॉपिक नंबर 4, ये टॉपिक नंबर मतलब 4 ये हो गया इसका, 4 टाइप्स। हाँ लिखे इसको, लिखो तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, हाँ ये सही है, लिखिए इसको, ठीक है ना, बी लिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका है, अब यहाँ पे क्या करना आपको, देखिए अभी जो 3 पढ़ा है आपको, एक में क्या हुआ प्रेशर कॉन्स्टेंट रहा, सेकंड में क्या हुआ वॉल्यूम, थर्ड में क्या था टेम्परेचर। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तीनों वेरी करेगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। और कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या होता है, हीट, हीट का ट्रांसफर यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं होगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगा, होगा नहीं, हीट का ट्रांसफर नहीं करना है, जैसे नहीं बोले थर्मस यूज करते हैं, थर्मस तो उसमें हीट का ट्रांसफर होता है क्या, नहीं होता है, उस सिस्टम के अंदर ही रहेगा हीट का। चलिए हो गया सबका, लिखिए तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन होगा, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीनों होगा। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या होगा, हीट, चलिए सर लिखिए, लेकिन द प्रोसेस, ठीक है सर, देखे तो चलिए, हाँ लिखिए इसको, द प्रोसेस इन विच प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस आप लोगों का बात करना बंद नहीं हुआ क्या? देखे तो यहाँ पे क्या होगा इसका,
यहाँ पे देखो ये तीनों वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है ना? देखिए हाँ, ऑफ द सिस्टम चेंजेस बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये सब तीनों वेरी कर जाएगा बट सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। यहाँ पे अब लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बताइए क्या होगा, वेरिएबल या कांस्टेंट? तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रेशर हो गया, प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर पी हो गया, वॉल्यूम भी हो जाएगा इसका, और टेम्परेचर टी, ये सब क्या होगा, वेरिएबल होगा इसमें, और हीट का अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट होगा यहाँ पे कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ हीट तो यहाँ पे ये जगह कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार टाइप का था प्रोसेस, ठीक है ना? फर्स्ट में आपका हो गया, क्या बोल रहे हैं आप, सब हो जाएगा, इतना आराम से हो जाएगा, चलिए हो गया सबका। तो चार टाइप का हो गया, पहला कौन सा हो गया, आइसोबैरिक, सेकंड में क्या हो गया, आइसोकोरिक, थर्ड में क्या है, आइसोथर्मल, और फोर्थ में क्या है, यहाँ पे एडियाबेटिक। ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है इसका, तो अभी कुछ पार्ट यहाँ पढ़ रहे हैं और कुछ पार्ट पढ़ना आपको नेक्स्ट चैप्टर में 12 में, इसलिए बोले आपको भी हम हीट केमिस्ट्री नहीं था आपका, आज स्पेसिफिक हीट केमिस्ट्री था जो आपको कहाँ पढ़ना था, चैप्टर 10 में, और कुछ पार्ट यहाँ भी पढ़ना है, और आगे इसका कुछ पार्ट कहाँ पढ़ना आपको, चैप्टर 12 में। ये तीनों मिक्स है, कंबाइन है, समझो कुछ पार्ट मतलब मिक्सअप किया हुआ है, और कुछ पार्ट पढ़ना आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, जैसे इंट्रोपी, इंथैल्पी, पूरा डीपली पढ़ना आपको केमिस्ट्री में पूरा, ठीक है, वहाँ भी पढ़ेंगे आप, जब पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ रिपीट होगा वहाँ पे, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा आपको ये प्रोसेस आपका, ठीक है, फिजिकल में पढ़ाया जाएगा आपको, फिजिकल जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग उसमें, तो उसमें आएगा आपका ये, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद क्या था, फाइव लिखो, फाइव नंबर लिखो, हेडिंग, हेडिंग होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो आप क्या करो, पार्टीशन कर देना बीच में, एक साइड में लिख लो रिवर्सिबल और एक साइड लिख लो इरिवर्सिबल, और डिफरेंस समझिए उसको, डिफिनेशन समझ लो, सब इसी में जाएगा आपका, ठीक है, लिखो आप उसको, आपको जैसे लिखना लिखो, ठीक है, सबको दिक्कत ना, दोनों लिखाएंगे आपको। तो नेक्स्ट हम लोग का है रिवर्सिबल, सबको नोट कर लिए, ठीक है, तो नंबर फाइव, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का आपके पास है, तो यहाँ पार्टीशन आप कर लो इसको, देखिए इसका यहाँ पे हम एक साइड आपका यहाँ पे जाएगा रिवर्सिबल, ठीक है, देखिए चलो, रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, देखते हैं, ठीक है, ये हो गया, और एक आपका है इरिवर्सिबल, और क्या बचा इसके बाद, एक और साइक्लिक है ना, ठीक है,
चलिए सब हो गया हमारा, ठीक है ना। दो टाइप का हो गया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब दोनों को डिफाइन कर देते हैं। आप देखो डिफाइन भी हम इसको हो जाएगा और आगे इसका है बच्चा हम लोग का साइक्लिक। चलिए सर ठीक है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका, फर्स्ट पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा इसका, क्या होता है इसमें, जो अपना ओरिजिनल स्टेट को वापस आएगा ना। लिखिए इसका, द प्रोसेस विच कैन बी, देखिए हाँ देखिए, विच कैन बी, एक ही वर्ड यहाँ पे यूज किया है, रिट्रैक्ट बोलते, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ टू इट्स ओरिजिनल और ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, खींचना उसको लंबा करना लेंथ को, या फिर इसको छोटा भी करते तो कंप्रेसिंग बोलते हैं यहाँ पे, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग और रबर ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में और भी बहुत सारा प्रोसेस है इसमें, है आप ले सकते हो, मिल्क का तो बोले आपको एग्जांपल, हम मिल्क से कोई मटेरियल बना दिए तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते हैं। और भी है फ्रिक्शन के थ्रू जो वर्क हो जाता है, फ्रिक्शन समझ रहे हो आप, घर्षण बल समझ रहे हो ना, वही बोल रहे हो। देखिए इसमें क्या होता है, अगर टायर घिस जाता है, इसलिए होता है फ्रिक्शन के कारण ही टायर घिसता है ना, टायर घिसता है या मशीन का जो पार्ट्स पुर्जा होता है वो घिस गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, टायर घिस गया तो वापस नहीं आएगा वो, तो ये सब हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल में। और भी क्या बोल रहे हैं, लेके तो नया ले लेगा, तो नया तो ले ही सकते हो, नहीं वैसे वही हम वापस लाना चाह रहे तो उसी टायर में अपने से लाना है, तो जैसे स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग को आप छोड़ दिए तो वापस आ जाएगा अपना, टायर में ऐसा होगा ही नहीं। चलिए लेके तो आगे, ये सेकंड पॉइंट है ठीक है, आपका एग्जांपल जो है ना वही सेकंड पॉइंट है। लेकिन इसका फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस विच कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है चलो, अब यहाँ देखिए क्या एग्जांपल, एक तो हम मिल्क कलर ले रहे हैं और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे एक टायर का भी है, टायर क्या बोल रहे हैं, देखिए एग्जांपल लिख लो इसका, हाँ सेकंड पर एग्जांपल में लिया, वो कुछ और दूसरा नहीं यहाँ पे है। तो एग्जांपल में यहाँ पे क्या आएगा इसका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ले सकते हो आप, मिल्क से क्या बनना है, कर्ड को बनाना है आपको, मिल्क से कोई स्वीट ले सकते हो, मिठाई ले सकते हो आप, जो भी बन जाएगा वापस नहीं आएगा वो। देखिए
एग्जाम्पल लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते इसमें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या बात करते रहता है पता नहीं चल रहा हम लोग इसको हवा हवाई कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। चलिए सर ना सुना क्यों नहीं सुना क्या बोल रही फैन ऑन करने बोल रही है क्या चलो चलो अपना लैंग्वेज बात है तभी सुनाई देता है जल्दी से ना चलो ठीक है। तो देखिए मेन आपका यहीं तक था ठीक है। इसके बाद आपका क्या है फिर बोलना है क्या फ्रिक्शन है फ्रिक्शन ना सुना ना अब खांसने क्या लगी तुम्हें बोले थे तो चलो कुछ तो बोल रही है ना चलो बोलना चाहिए तो अपना रीजनल लैंग्वेज को कहा छोड़ेगी तो चलो क्या छोड़ो नहीं बोलेंगे हम। चलिए सर हो गया एक लास्ट लिखो जल्दी सब लोग जल्दी लिखो इसका। चलिए हो गया इसका लिखो लास्ट लास्ट लिखो नंबर सिक्स नंबर सिक्स। हाँ साइक्लिक प्रोसेस ठीक है ना। तो अब देखिए तो लिखे यहाँ पे सिंपल देखो पहले भी बताया इसको हम क्या होगा ये ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा ये ठीक है ना। लेकिन द प्रोसेस ये और रिवर्सिबल बहुत हद तक मैच करता है ठीक है ना आपको। लेकिन द प्रोसेस विच कैन बी टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड। हो गया अब कितना अब एक बात को लेके बैठे मत रोज का निकल गया मुझसे बाबू बोलने में क्या करेगा सर। चलिए सर हाँ इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। लिखो इसको इस कॉल हो गया ना एग्जाम्पल लिखो इसका। ये होता है फिर कार्बन साइकिल पढ़े हो आप कभी इसी कार्बन है नाइट्रोजन साइकिल नहीं पढ़े हो ना। अच्छा चलिए ठीक है एग्जाम्पल लिखो इसका। तो यहाँ पे क्या होगा आइस ठीक है ना। आइस से क्या बना वाटर और फिर वाटर से क्या बनेगा वेपर बनेगा और फिर ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा वाटर बनेगा इससे वाटर होगा और फिर इससे क्या बनेगा आइस। अब बर्फ जाना पड़ेगा लिख लो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ये कंप्लीट होता है ठीक है आज का वो। चलिए हाँ आज का यही पे इतना होता है। ठीक है आप लिस्ट नोट कर लीजिए और आज बोलते हैं क्लास में।